सुप्रभात बच्चों, आज संस्कृत में हम लोग पढ़ेंगे लकार के बारे में। लकार मीन्स क्या होता है? काल। क्या होता है? लकार मीन्स काल, जिसे हम लोग इंग्लिश में टेंस बोलते हैं। तो चलिए इसके बारे में हम लोग डिटेल जानते हैं। आप लोग भी कंसंट्रेट होकर वीडियो वॉच करिएगा, ओके। हिंदी में जिससे किसी कार्य के होने का बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। किसी कार्य के होने का बोध होता है उसे हम क्रिया कहते हैं। और संस्कृत में क्रिया के मूल रूप को ही हम क्या कहते हैं बच्चों? धातु कहते हैं। इन धातुओं को 10 समूहों में विभाजित किया गया है। किसको विभाजित किया गया है? धातुओं को। कितने समूहों में? 10 समूहों में विभाजित किया गया है, डिवाइड किया गया है। प्रत्येक समूह को गण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? याद रखिएगा, जो संस्कृत में धातु है उनको 10 ग्रुप में डिवाइड किया गया है और प्रत्येक ग्रुप को, समूह को गण कहा जाता है। प्रत्येक गण 3 पदों में विभक्त है। प्रत्येक गण 3 पद में विभक्त है, जिसे क्रमशः परस्मै पद, आत्मनेय पद और उभय पद कहते हैं। प्रत्येक गण 3 पद में विभक्त है और जिसे क्रमशः परस्मै पद, आत्मनेय पद एवं उभय पद कहते हैं। क्लियर? इन पदों से युक्त धातुओं के रूप विभिन्न कालों के अनुसार होते हैं। इस काल को संस्कृत में लकार की संज्ञा दी गई है, है ना? क्या कहते हैं? इन पदों से युक्त धातुओं के रूप विभिन्न कालों के, समय के अनुसार होते हैं, काल के अनुसार होते हैं। इस काल को संस्कृत में लकार की संज्ञा दी गई है। इस काल को ही संस्कृत में लकार कहते हैं। ये लकार 10 होते हैं। कितने होते हैं संस्कृत में? 10 होते हैं। इन लकारों के स्थान में जो 3 प्रत्यय होते हैं उनमें लकार विशेष के कारण विशेषता आ जाती है। मुख्य रूप से इन प्रत्ययों को 2 वर्गों में बांटा जा सकता है, प्रथम वर्ग और द्वितीय वर्ग। प्रथम वर्ग के अंतर्गत भ्वादि, दिवादि, तुदादि एवं चुरादि गण होते हैं और द्वितीय वर्ग के अंतर्गत अदादि, ज्योत्यादि, स्वादि, रुधादि, तनादि और क्रयादि गण को रखा गया है। प्रथम वर्ग का प्रत्यय सबसे पहले हम लोग समझते हैं। प्रथम वर्ग का प्रत्यय, इसमें दिया हुआ है लकार, तो लट लकार, लंग लकार, लोट लकार, विधि लिंग लकार, लिट भविष्यत, ये दिया हुआ है ना? तो यहां पर देखिए, लट लकार का अर्थ क्या होता है? वर्तमान काल। लंग लकार अन्यतन भूत काल, लोट अज्ञार्थ काल, विधि लिंग लकार और लिट भविष्य काल इत्यादि के बारे में हम लोग इसमें समझेंगे। तो यहां पर दिया हुआ है प्रथम वर्ग का प्रत्यय है, परस्मै पदी प्रत्यय और आत्मने पदी प्रत्यय। तो परस्मै पदी प्रत्यय क्या होते हैं? एक वचन, दो वचन, बहुवचन में क्रमशः, जो इसके बारे में आप लोग प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हो, ती तहंती, सी था आमी आवा आमा, ये परस्मै पदी प्रत्यय हैं। इसमें अ लगा दिए हैं सभी में, अति अतहंती असी अथ अत आमी आवा आमा। क्रमशः आत्मने पदी प्रत्यय में क्या जोड़ेंगे? अंति, ये अते, सॉरी है ना, यहाँ पर ये इसका है अते, एक वचन के लिए अते, एते अंते, मध्यम पुरुष एक वचन के लिए असे, द्विवचन के लिए एथे और बहुवचन के लिए अद्वे, और उत्तम पुरुष के लिए हो जाएगा ए, आवहे, आमहे। यहां पर देखिए, इसको हम अपवेदी निकाल देते हैं क्योंकि अ तो आएगा ही, तो ते एते अंते, से एते अद्वे, ए आवहे, आमहे, ये प्रत्यय ऐड करेंगे आत्मने पदी प्रत्यय यदि ऐड करते हैं तो, किसमें? लट लकार। नेक्स्ट है लंग लकार अन्यतन भूतकाल, इसमें क्रमशः अत अताम अन, अह अतम अत, अम औ य व अम म। इसी प्रकार से आत्मने पदी प्रत्यय में अत एताम अंत, अथा एथाम अध्वम, ए आवही आमही, ओके। तो इस प्रकार से ये आप लोगों का स्ट्रक्चर है। प्रथम वर्ग का प्रत्यय है परस्मै पदी प्रत्यय के लिए और आत्मने पदी प्रत्यय के लिए। इसको आप लोग लर्न करिएगा,
विशेष करके इसमें वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यत काल का, विधि लिंग लकार का पूछ देते हैं एग्जाम में, इसको भी लर्न करना है, लोट लकार का भी पूछ देते हैं। तो आप लोगों का कम से कम ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण है, परस्मैपदी प्रत्यय लर्न होना चाहिए कि क्या ऐड करना है। लिट लकार भविष्यत काल में श्यति श्यतः श्यन्ति श्यसि श्यथः श्यत श्यामी श्यावः श्यामः। उसी प्रकार से इसमें आत्मनेपदी प्रत्यय में श्यते श्येते श्यन्ते श्यसे श्यथे श्यद्वे इष्ये इष्यावहे इष्यावहे। इस प्रकार से इसको इसमें ई लगा दिया है, ई भी नहीं जोड़ोगे तो श्यति श्यता श्यन्ति, इस प्रकार से भविष्यति श्यता श्यन्ति हो जाएगा, है ना। तो इसको आप लोग प्रत्यय को लर्न कर लीजिएगा इसमें जो दिया हुआ है, और किसी प्रकार से कुछ डाउट हो तो मीटिंग में आप लोग कंसल्ट करिएगा। ओके, लिट लकार के तिंगे प्रत्यय लट की तरह होते हैं, या ज्ञातव्य हो कि श्य लिट का विकरण के साथ जोड़कर स्पष्ट करने के लिए उन्हें दिखाया गया है। इसको श्य कक्षा में पढ़ाए जाने वाले इन प्रमुख लकारों के अतिरिक्त पांच लकार और हैं, इसके अतिरिक्त पांच लकार और हैं, इसको तो आप लोग पढ़ते हो, लेकिन उसके अलावा पांच लकार कौन कौन से, संस्कृत भाषा में उनके प्रयोग बहुत होते हैं पर इस कक्षा के पाठ्यक्रम में उनका निर्धारण नहीं है, अतः उन लकारों के नाम की जानकारी दी जा रही ये है जो आप लोग अभी नहीं पढ़ाई किए हो। लिट परोक्ष भूत, लुट अनद्यतन भविष्यत काल, लुंग सामान्य भूतकाल, लिंग हेतुर हेतुर मद्भाव, लेट केवल वेद में प्रयुक्त होता है, वेद शास्त्र में जो होता है वो लेट लकार का प्रयोग होता है। धातु रूप कक्षा छठवीं में लट लकार, लंग लकार और लिट लकार में परस्मै पद के धातु प्रत्यय और रूपों का समुचित अभ्यास, तथा कक्षा सातवीं में लोट लकार में विधि लिंग लकार में परस्मै पद और आत्मनेपद प्रत्यय एवं धातु रूपों का ज्ञान कराया गया है। तो क्रमशः जो इससे पहले प्रीवियस पेज में 61 पेज में जो परस्मै पद का लटलकार लंगलकार, लटलकार मीन्स वर्तमान काल, लंगलकार मीन्स भूतकाल और लिटलकार मीन्स भविष्य काल के बारे में जो प्रत्यय दिया हुआ है उसको आप लोगों को लर्न करना है। अब कक्षा आठवीं में प्रथम पांच लकारों में छात्रों के अध्ययनार्थ धातु रूपों का उल्लेख इस प्रकार किया गया है, जैसे लटलकार का दे दिया है भुआदि प्रथम गण विकरण चिन्ह अ है, परस्मै पद में नम धातु का आपको बनाना है क्या धातु रूप, तो जानते हो स्ट्रक्चर, नमति नमता नमन्ति नमसि नमथा नमात नमामि नमावः नमामः। उसी प्रकार आत्मनेपद का लव प्राप्त करना होता है, तो आत्मनेपद का स्ट्रक्चर आप लोगों को याद करना पड़ेगा इसके लिए, है ना, जो अते एते अन्ते वाला जो स्ट्रक्चर है, तो लभते लभेते लभन्ते लभेसे लभसे लभेथे लभद्वे लभे लभावहे लभामहे, किसमें आत्मनेपद, तो परस्मै पद और आत्मनेपद का प्रत्यय इसके लिए आप लोगों को लर्न करना पड़ेगा। ओके, दिवादि चतुर्थ गण विकरण चिन्ह यह है, जैसे नस नश करना तो नश्यति नश्यता नश्यन्ति नश्यसि नश्यता नश्यत नश्यामि नश्यावः नश्यामः। युद्ध लड़ाई करना के स्कोप में यदि देखे, लड़ाई करना युद्ध का आत्मनेपद का धातु रूप लिखने के लिए कहा जाए लट लकार में, तो क्या हो जाएगा, युद्धते युद्धेते युद्धन्ते युद्धसे युद्धेते युद्धेथे युद्धद्वे युद्धे युद्धावहे युद्धामहे। इस प्रकार से इसमें लिख प्रिम्री धातु का दिया हुआ है। नेक्स्ट पेज में चुरादि गण विकरण चिन्ह ए चूर धातु का दिया हुआ है, कथ का दिया हुआ है, उसी प्रकार लंग लकार का दिया हुआ है, लोट लकार का दिया हुआ है, उसके बाद लोट लकार के बाद विधि लिंग लकार का दिया हुआ है, जैसे कि पहले अप्रत्यय दे दिए हैं, उसके बाद उसको एग्जाम्पल के सहित परस्मै पद और आत्मनेय पद का धातु रूप भी इसमें स्पष्ट रूप से दिया हुआ है। लिट लकार का दिया हुआ है ये, तो इसको आप लोग लर्न करिएगा, क्रमशः आपको प्रत्यय याद होना चाहिए, फिर कोई भी जैसे धातु देते हैं तो आप उसके अनुसार से उसको आप बना सकते हो। ओके बच्चों, और तो इसको आप लोग रीड कर लीजिएगा, पेज नंबर 61, 2, 3, 4 लकार के बारे में दिया हुआ है स्पेशल रूप से इसमें, तो इसको आपको स्टडी करना है, अच्छे से समझना है, और किसी प्रकार से कुछ डाउट होता है तो आप लोग मीटिंग में कंसल्ट करिएगा। ओके।